राहुल गांधी ने इस वक्त नरेंद्र मोदी को लेकर के और ओबीसी को लेकर के बहुत बड़ी बात कही है। नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे, ये बात कर सुनिए जरा। पैदा हुए थे उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। और ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। पता है मैं कैसे जानता हूं? सुनो, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पता है मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है। ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा, लिख के ले लो। जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। आप देखो, आप देखना, मैंने जाति जनगणना की बात की, सामाजिक न्याय की बात की। नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, कहते हैं भाइयों और बहनों, इस देश में सिर्फ दो जाते हैं, एक अमीर है एक गरीब है। अच्छा भैया, अगर दो ही जाते हैं तो आप कौन सी जात के हो? आप गरीब तो नहीं हो, आप 24 घंटे का नया सूट पहनते हो, करोड़ों रुपए का सूट पहनते हो, आप कहां के गरीब? और अगर दो ही जात है तो आप ओबीसी कहां के बन गए? भैया भैया, सुबह एक नई ड्रेस आती है, उसके बाद दोपहर में अलग, शाम को अलग, और हर रोज अलग अलग अलग। और फिर ये झूठ बोल रहे हैं कि मैं ओबीसी वर्ग का आदमी हूं। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट का आदमी पैदा हुआ। उसकी जात को ओबीसी बीजेपी ने सिर्फ गुजरात में बनाया। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के पिछड़े लोगों से झूठ बोल रहे हैं। पता लगा लीजिए मेरे फोन पे, मैं एक सेकंड में बता देता हूं आपको। मेरे फोन पे लिखा है, ए सुनो मोदी जी, मोद गांची जात के हैं, मोद गांची कास्ट के हैं। इनको गुजरात सरकार ने 2000 में ओबीसी घोषित किया था। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी कास्ट के नहीं थे, वो जनरल कास्ट के आदमी हैं, और वो देश के हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का बेवकूफ बनाने के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ले लो सच्चाई, सुन लो। अब देखो, अब मैंने सामाजिक न्याय की बात की, अब मैं आर्थिक न्याय की बात करना चाहता हूं। आपके प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, आपका पूरा का पूरा धन लेकर, आपके छोटे बिजनेसेस को लेकर खत्म कर रहा है। जीएसटी और नोटबंदी उन्होंने करवाई अदानी जी की मदद करने के लिए, और छोटे बिजनेसेस सबको मार दिया। ओडिशा में, बाकी प्रदेशों में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। चाइना का माल, ये जो फोन है,
ये जो आपकी शर्ट है, चाइना का माल हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपति आपको बेचते हैं, चाइना के युवाओं का पैसा बनता है, उनका पैसा बनता है, आपकी जेब में से पैसा निकलता है। महंगाई से आप लड़ाई लड़ते हो, महंगाई आपको दबाती है। पेट्रोल का दाम बढ़ता है, आपको चोट लगती है। खाने का दाम बढ़ता है, आपको चोट लगती है। अदानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी अपने कपड़े खरीदता है? अगर खरीदता है तो मुझे समझा दो, प्राइम मिनिस्टर की सैलरी कितनी होती है भाइयों बहनों? कितने की होती है? 2 लाख की होती है? मुझे नहीं मालूम कितने की होती है। 3 लाख की होती है। अलंकार पता लगाओ कितने की है। देखो, हाँ देखो, इंटरनेट का समय है। देखो, प्रधानमंत्री को नहीं भाई, प्रधानमंत्री को 1,60,000 रुपए प्रति महीना सैलरी मिलती है भाई और बहनों। मुझे एक बात बता दो, सैलरी एक साथ 1,60,000 की और कपड़े हर रोज बदल रहे हैं, 3 कपड़े हर रोज बदल रहे हैं, 1 कपड़ा मतलब 2-3 लाख रुपए का है, तो कहां से आ रहे हैं? बात समझो। ये 24 घंटा आपको उल्टी सीधी बात करता है। हर रोज ये नया कपड़ा पहनता है, इसके पास कपड़ा पहनने के लिए सैलरी नहीं है, कहां से आ रहा है ये पूछो। आपकी जेब से आ रहा है। ठीक है, अब देखना, अब अगली बार याद रखना हिंदुस्तान के सब युवा, प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए प्रति महीना। सुबह उसको देखो, एक सूट पहनेगा 2-3 लाख का, फिर शाम को देखो दूसरा सूट पहनेगा, शॉल पहनेगा 4-5 लाख का, तीसरा लंच के टाइम देखो उसको नया सूट पहनेगा, जूते पहनेगा 3-4 लाख, मतलब 7-8 लाख रुपए दिन के, 7-8 लाख रुपए दिन के हो गए, तो महीने के कितने हुए? तो ये जो 1,60,000 की सैलरी पे चल रहा है और महीने में 2-3 करोड़ रुपए के सूट पहन रहा है, इसका पैसा कहां से आ रहा है? तो आप पर आर्थिक अन्याय हो रहा है, आपकी चोरी हो रही है भाइयों बहनों, पता नहीं लग रहा, देख नहीं पा रहे हो, बात समझ नहीं आ रही है। तो ये हो गई आर्थिक अन्याय की बात। चलो अब चलते हैं किसानों के पास, किसानों के खेत के पास जाते हैं और यहाँ पे किसानों से कौन लूट रहा है? बीजेडी और बीजेपी मिलकर। बीजेपी और बीजेडी मतलब पी और डी फर्क है, बाकी एक ही है। बीजेडी फर्क है, दोनों साथी है, पार्टनरशिप चल रही है। और ये क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं साफ, ये यहाँ पे उड़ीसा में इनकी साजिश है, ये आदिवासियों की जमीन चोरी करने में लगे हुए हैं। ये इन्होंने ड्रोन लगा रखे हैं, यहाँ पे जो आदिवासी भाई हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, आप समझ लो बात, आपको थोड़ी देर बाद ड्रोन दिखेगा हवा में। भैया ड्रोन है यहाँ पे, देखो ड्रोन है, कुछ देर बाद आपको ड्रोन दिखेगा। ड्रोन क्या करेगा? ड्रोन पता लगाएगा, ये देखो। ड्रोन देखने आया था कि भैया यहाँ पे आदिवासियों की जमीन कहाँ है, वो पता लगाएगा। और फिर जहां भी आदिवासियों के गांव में ग्राम सभा की जमीन है उसको ड्रोन
सीधा अंबानी को अदानी को बताएगा कि भैया देखो उड़ीसा में कोरापुर में 700 एकड़ जमीन है और अदानी जी आके वहां पे कोई एनजीओ आएगा 2500 एकड़ आपका उठा ले जाएगा, कहेगा भैया थैंक यू बाय बाय हम जा रहे हैं, आप जानो अपना काम है। तो इन अलग अलग अन्यायों से लड़ाई हो रही है, सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय। अच्छा एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? शहजादी बेगम। आपका नाम क्या है? सुधारा निराविया। और कहां है महिला? आपका नाम क्या है? अच्छा आप तीन महिलाएं हैं यहाँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके खिलाफ अन्याय कैसे हो रहा है। ये जो यहाँ पे सब पुरुष हैं, ये सुनो सुनो, ये जो सब पुरुष हैं यहाँ, ये रात को सड़क पे अकेले चल सकते हैं? पुरुष चल सकते हैं? पुरुष क्यों नहीं चल सकते हैं? महिला चल सकती है? ये आपके साथ अन्याय हो रहा है। आपको रोज डराया जाता है, दबाया जाता है, तो महिलाओं के खिलाफ इस जो समाज जो अन्याय हो रहा है उससे हम लड़ रहे हैं। ये पांच अन्याय के कारण हमने भारत छोड़ो न्याय यात्रा शुरू की और आपने इसमें आपने पूरी शक्ति डाल दी, पूरी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। और जब भी आपके पास बीजेपी के कार्यकर्ता आएंगे उनसे एक बात पूछना कि भैया ये जो आपका प्रधानमंत्री है इसने पूरे देश को झूठ बोला कि ये पिछड़े वर्ग का है, ये तो पिछड़े वर्ग का पैदा नहीं हुआ था, ये तो जनरल कास्ट का आदमी है, ये पूरे ओबीसी वर्ग को झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है। हर बीजेपी के कार्यकर्ता को ये बताना। ओके शाबाश, थैंक यू। राहुल गांधी की उड़ीसा के अंदर ये आखिरी सभा थी जहां पर बड़ा हमला राहुल गांधी ने बोला नरेंद्र मोदी को लेकर के, ओबीसी को लेकर के उन्होंने जो बात कही, अब उस बात का बीजेपी क्या जवाब दे पाती है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी अब यहां से निकल रहे हैं, उनका भाषण हुआ यहाँ पर और सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ओबीसी जाति में पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने बाद में अपनी जाति को ओबीसी के अंदर डलवाया। ये बड़ी बात राहुल गांधी ने यहाँ पर कही और उसके बाद में कहा कि मैं इस बात का प्रमाण इस तरह से दे सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी वो ओबीसी के लोगों से हाथ नहीं मिलाते हैं, ओबीसी के लोगों को गले नहीं लगाते हैं, वो अडानी अंबानी को हाथ से हाथ मिलाते हैं, अडानी अंबानी को गले लगाते हैं। ये बड़ा हमला अभी तक का राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को लेकर के कहा जा सकता है सीधे तौर पर, और निश्चित तौर पर इसका जो असर है या एक लंबी डिबेट है, लंबी बहस है, वो यहाँ पर अब खड़ी हो जाएगी कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो सही है या बीजेपी जब इसका काउंटर देती है तो फिर वो सही कहा जाए। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।